सबसे पहले है ब्रह्मा, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं और जिनके विचारों से ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज का निर्माण होता है। इस विशाल असीम अनुभूति में ब्रह्मा का एक दिन मनुष्य के 4,32,00,000,000 वर्षों के बराबर होता है, अर्थात एक महादिवस जिसमें धरती के चारों युग बारी बारी आते जाते हैं, जैसे ऋतुओं का आना जाना होता है। काल के इसी ताने बाने में पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व समाया हुआ है। जैसे वसंत ऋतु की सुबह होती है, वैसे ही है सतयुग, जहां उत्तम पुरुष और स्त्री हजारों वर्षों तक सुख और आनंद से भरी इस धरती पर जीवन बिताते हैं। न दुख, न अत्याचार, न रोग, न भय, परंतु परम ज्ञान, परम सुख पाने वाले मनुष्य भी इस काल चक्र से नहीं बच पाते और इस तरह दूसरे अर्थात त्रेता युग में धरती पर लालच के रूप में बुराई जन्म लेती है। इसी युग में जन्म लेते हैं श्री राम, जो अज्ञान और अधर्म को मिटाने की क्षमता रखते हैं। युद्ध का जन्म होता है, युद्ध के साथ साथ जन्म लेते हैं महायोद्धा। ये वो पुरुष और स्त्री योद्धा थे जिन्होंने दूसरे युग की संस्कृति के विनाश को रोकने के लिए धरती पर जन्म लिया। ये मानव हर मापदंड से उत्तम थे और इनमें भी वही गुण थे जो सतयुग के मानव में थे। किंतु तब आरंभ होता है तीसरा युग, अर्थात द्वापर युग, और इन महायोद्धाओं के जीवन में जन्म लेती है नई पीड़ाएं, रोग, दोष और क्षय। भविष्यवाणी के अनुसार इस तीसरे युग का अंत बहुत जल्दी आएगा, युद्ध क्षेत्र में, समय की संधि में। जब हमारा ये तीसरा युग समाप्त होगा, तब आरंभ होगा चौथा युग, और वो युग कहलाएगा कलयुग।